दोस्तों स्पीडर मैच जो कवर करने वाले इंग्लिश वुमेन्स वनडे का जो कि मैच खेला जाएगा सेंट्रल स्पार्क्स वर्सेस वेस्टर्न स्टॉर्म्स के बीच मैच खेला जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैं पहले स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि इस सीरीज का T20 मैचेस खेले गए थे, बस उसी का ये वनडे फॉर्मेट है, वनडे मैच है, 50 ओवर का गेम है। लेकिन उसके बाद एक और अच्छा मैच मुझे जो कि लग रहा है नज़र में कि मुझे बहुत सही लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, केन्या और नाइजीरिया के बीच T20 मैच है, इसमें कर लेना। और ये भी अच्छा मैच है वुमेंस का, तो ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हर कोई जानता है वुमेंस के मैचेस हमेशा ही अच्छे होते हैं। सबसे पहला काम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैचेस कोई शायद ही कोई बंदा होगा जो पूरे फील्ड में ऐसे मैचेस को कोई कवर करता होगा, आपको पता है कोई नहीं कवर करता है, लेकिन हम लोग हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दो, आप उस पर क्लिक डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। विनिंग टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बात तो इस मैचेस की लाइनअप शायद ना भी आए लेकिन फाइनल टीम आपको जरूर से मिलेगी टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स लिंक पिन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से करना, वो ज़्यादा आपके लिए मतलब बेटर रहेगा, ठीक ना? तो वो आपके ज़्यादा बेटर है, तो कोशिश करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही करें। एंड अब बात करते इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर अप करना चाहूँगा, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह बिल्कुल भी नहीं। कल इवेंट है ना, इवेंट में कल आएंगे, ठीक है? जो पटना में जो इवेंट है ना, बहुत लोग बोल रहे थे आएंगे उसमें, मेल आ चुका है एड्रेस वगैरह। एक सेकेंड, इनके मैचेस खेले भी गए हैं नहीं खेले गए मैं देख लूँ। बेस ये रहा इसका लास्ट मैच, अगर देखोगे तो वेस्टर्न स्टॉर्म जो कि अपना 10 जुलाई को ही मैच खेल के आ रहा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ फटाफट से। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल स्पार्क्स का, सेंट्रल स्पार्क्स अच्छी टीम है जो कि 11th मैच खेल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसका ये चेक कर लेता हूँ। ये 50 ओवर का गेम है, तो आप सबसे पहले वेस्टर्न स्टॉर्म का देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी भी सोपे लुक कैप्टेंसी कर रहे, अच्छी प्ले टीम तो नो डाउट। ओपनिंग करेंगे इमा कॉर्नी जो कि ओपनिंग करे सोफे स्मिल के साथ, जो कि सोफे स्मिल हर कोई जानते हैं टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर है, और उसके अलावा सोफे लुक जो कि टीम तरह से बॉलिंग भी कर लेती है अच्छी खासी, उसके अलावा फेरन विल्सन जो कि टीम तरह से फोना बैटिंग करती है। हर कोई जानते हैं कि बहुत कम मैचेस सब खेल रही है आजकल, लेकिन साल 2019 तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी, हर एक टूर्नामेंट खेलती थी, बट अब आजकल देखता हूँ कुछ ही मैचेस ज़्यादातर खेलती है, लेकिन अच्छी प्लेटिंग से नाताशा भी अवेलेबल है, हॉलैंड में अवेलेबल है, अमंदा भी रेड विलिंगटन की तो पता ही आपको, तो ठीक है। आप देखोगे तो इनका बैटिंग ऑर्डर कोई कमज़ोर नहीं है इनका, ठीक है। इनका सोफिया लूफ है, फेरन विल्सन है, नाताशा है, अमंदा है, एलेक्स भी अच्छी हिटिंग कर लेती है, तो ठीक है इनका बैटिंग ऑर्डर। बॉलिंग से बात करें तो पावर प्ले में इसी वॉन्ग जो कि टीम से हर कोई जानता है 6 ओवर बॉलिंग कर रही थी लास्ट मिनट, क्योंकि मैच पूरा जाता था, अच्छी खासी अमाउंट बॉलिंग कर सकती थी। सोफेस में लगभग 7 ओवर बॉलिंग की अच्छी बॉलिंग करती है, डेथ में बॉलिंग करती है, हालांकि डेथ पर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। एलेक्स जो की टीम से 5 ओवर बॉलिंग की पार्ट टाइमर है, चालो जो की टीम से देखोगे 9 ओवर बॉलिंग की, अमंदा जेड विलिंगटन पूरे ओवर बॉलिंग की 10 ओवर, उसके अलावा निमो होल्ड जो कि 2 ओवर बॉलिंग है, तो बॉलिंग इसमें तगड़ा ही इनका। सोफेस में इनके पास है इसी वॉन्ग तक इनके पास और अमंदा जेड विलिंगटन, तो ठीक है इनका। अब एक बार देखते हैं सेंट्रल ये इनका 11th मैच खेलिए सेंट्रल स्पार्क्स है, स्पार्क्स भी अच्छी है। तो देखो सेंट्रल स्पार्क्स की टीम से इवेन जोन्स जो कि ओपनिंग करे टीम से चलो ब्रेवे के साथ ओपनिंग करे, डेविन पेन का फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था T20 फॉर्मेट में, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही थी T20 में, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा फॉर्म, लेकिन अच्छी प्लेयर टीम से वहाँ पे ओपनिंग कर रही थी। एवे फ्रीबॉन जो कि टीम से फोन बैटिंग की थी, एक अच्छी प्लेयर टीम से फ्रीबॉन, उसके अलावा टीम से एमी कैंपेल अवेलेबल है, कैटी जॉर्जी अवेलेबल है, बेथन एलिस अवेलेबल है, तो ठीक है इनका बॉलिंग लेना, सॉरी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी सही है। इनके पास इवन जोन्स है ना जो कि कभी कभी चलती है बट बहुत तगड़ी खेलती है, और पार्टी में बॉलर भी है। उसके लिए बॉलिंग से बात करें तो नीवो से स्टार्ट करती इसी बॉन्ग जो कि 8-9 ओवर बॉलिंग की थी, वो भी एंड तक बॉलिंग की थी। उसके अलावा टीम से ठीक है इनके पास, उसके अलावा रिया फ्रैकेल है, कैटे है, ठीक है, बेथन एलिस अच्छी बॉलिंग की है, एंड ज़्यादा सब टीवी पर टाइम पास नहीं करते, क्योंकि देखो यार फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर ही दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, टेलीग्राम चाहे जॉइन करिए रखना, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग है वो टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। मैच कोई ख़राब नहीं है, बस मैं देखो ज़्यादा डिटेल्स वगैरह में नहीं निकाली इस मैच के लिए, जानबूझ के नहीं निकाला, ठीक है, टेंशन ना लो। बात कर विकेट कीपर से, उससे पहले वीडियो को जूस लाइक कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल सेट करो जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अच्छे टीम क्रिएट करके आपको देंगे, तो टेंशन ना लो। देखो नताशा अच्छी प्लेयर मानता हूँ वनडे मैच के हिसाब से, तो नताशा अच्छे, बट फ्रीबॉन हर टूर्नामेंट में फॉर्म में रहते तो फ्रीबॉन के साथ जा रहा हूँ। अगर एमी जोन्स खेले तो एमी जोन्स को पिक करना, क्योंकि तगड़े प्लेयर एमी जोन्स, और वनडे मैच है तो एमी जोन्स एक इंपॉर्टेंट पिक रहनी चाहिए, अगर खेलेगी तो, अभी नाम नहीं है तो इसलिए साइड रखता हूँ।
उसके अलावा एवेंजर्स अच्छी है, हिदन नाइट्स रिसेंटली T20 तो खेली थी बट यहाँ पे शायद ये फॉर्मेट को मिस करे, सोफिया लूफ कैप्टनसी मिला है तो डेफिनेटली खेलेगी टीम दस से अच्छी बल्लेबाजी करती। फैरन विंसन फोर ना बैटिंग करे टीम दस से एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि देखो वनडे मैच है और वनडे मैच में जनरली ये ओडीडी मैचेस में चलती है और वनडे मैच के लिए ही जानी जाती है, कैंपेल वगैरह सब अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा देखो डेविना पेरिंग भी अवेलेबल टीम से, डेविना जो कि टीम दस से T20 फॉर्मेट पर अच्छी फॉर्म में चल रही थी तो आप पिक कर सकते हो डेविना को। उसके अलावा देखते फिलहाल में दो ही पिक करो, फैन विल्सन भी अच्छी है टीम दस से पिक कर लेते हैं, तीन पिक कर चलते हैं। अगर हैंडर नाइट्स खेलेगी तो नाइट्स को पिक कर लेना फैन विल्सन के, ठीक है खेलेगी तो अभी के लिए विल्सन को पिक कर क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करती हो। अमंदा बेलिंगटन के जो जी, उसके अलावा सोफिया स्मिथ दैता बॉलिंग करती है, डेनी गिब्सन अगर खेलेंगे तो दूसरे पिक करना, काफ़ी तगड़ी अच्छे फॉर्म में चली थी। एलेक्स भी अवेलेबल है, वेथनी से एक इंपॉर्टेंट पिक होनी चाहिए टीम दस से क्योंकि बॉलिंग पूरे वर्क करेगी, ईयर लोड का फॉर्म अच्छा चला था T20 में, फिलहाल में चार ही पिक करो इधर से। उसके अलावा जॉर्जिया डेविस जो टीम अच्छी है, हैना बेकर अच्छी बॉलिंग करती है, इसी बॉन्ग अच्छी है, फ्रैकल भी अच्छी टीम दस से, रिया फ्रैकल अच्छी है, जी पॉट्स भी अच्छी, एक मिनट सारे अच्छे पिक है तो ड्रॉप किसको कर दिए, सोफिया लूफ और इनको ट्राई नहीं कर, बट ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। स्पेशलिस्ट एफ सोफिया लूफ जो कि कैप्टनसी करती है, कभी कल बॉलिंग भी अच्छी खासी डालती है, लेकिन बिना जी पॉट्स के और रिया फ्रैकल के तो टीम अधूरी सा लग रहा है मुझे। एक मिनट को यार इसी बॉन्ग को ड्रॉप मत करना, बेवकूफ़ी रहेगा अगर ड्रॉप करोगे तो, पिक करके चलना कैसे भी। उसके अलावा लॉरेन फिलर भी अवेलेबल ना हो सकती है तो देख लो अपनी फाइन टीम में, बट इसी बॉन्ग इंपॉर्टेंट, रिया फ्रैकल भी अच्छी टीम से, रिया फ्रैकल को पिक किया जा सकता है, मैं रिया फ्रैकल के साथ जाना थोड़ा सा प्रिफेक्ट करूँगा क्योंकि रिया हमेशा अच्छी रहती फॉर्म में। जी पॉट्स भी तगड़ी टीम से, तो अगर मुझे जी पॉट्स चाहिए इधर से मैं ड्रॉप नहीं कर सकता किसी को। फैरन विल्सन अच्छी बल्लेबाजी करती बट फिर भी मैं रिया के साथ जाना थोड़ा सा ज़्यादा प्रिफेक्ट करूँगा। यार सोफिया लूफ नहीं, सोफिया लूफ अच्छी फॉर्म में रहती है जनरली और हर मैच अच्छी नहीं खेलती, फैरन विल्सन को ड्रॉप करो, हालांकि बड़े सीनियर प्लेयर फैरन विल्सन है बट फिर भी सोफिया लूफ इसलिए कैप्टनसी करती ना। और रिया फ्रैकल अच्छी स्पिनर टीम से, बट जी पॉट्स के साथ आप रिया को पिक कर सकते हो, रिया एक अच्छी प्लेयर टीम से बट जी पॉट्स का एक हर मैच दो तीन विकेट आराम से लेके देती है, दो तीन विकेट उनका मिनिमम अमाउंट रहता है वो ले ही लेती है। अगर आपको फैरन विल्सन चाहिए तो देख लेना सोफिया लूफ में के साथ में, सोफिया लूफ क्या है थोड़ा सा ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं और फैरन विल्सन थोड़ा सा जल्दबाजी में रहती है, फर्क बस यही है। कैप्टन सर बात करते तो मैं एज ए कैप्टन प्रेफर करूँगा अमंदा जेड वेलिंगटन एज ए कैप्टन, वो इसके के जी ओ जी के साथ जाइए या फिर सोफिया स्मिथ के साथ जाइए, सोफिया स्मिथ के साथ जाइए या फिर चाहो तो जॉर्जिया डेविस के जगह पे हैना बेकर को ट्राई, उसको ट्राई कर सकते हो, रिया को, रिया एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, रिया फ्रैकल, बट फिर भी मैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ इस तरीके से जाना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेम टाइम बुक करो से नॉर्मल अमाउंट इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं है, एक बार मैं बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म टीम पे जो उसे करूँगा और आफ्टर टॉस इस पर चेंजेस तो करने ही अपने को, ठीक है। सेम टाइम ऑर्डर बुक कर दो, सेम डे इन्वेस्टमेंट करी जा सकते हो, अमाउंट बिल्कुल भी ज़्यादा मत करें इन्वेस्टमेंट, एकदम नॉर्मल अपन को करके चलना है बिल्कुल अब नॉर्मली, क्योंकि मुझे अभी मैच बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। हालांकि वो T20 अच्छा है, केन्या और वो नहीं है उसका, वो मुझे सही लग रहा है, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट अपने को नॉर्मली करना है इस मैच में। वुमेंस का है नॉर्मली करके चलिएगा, लेकिन टीम परफेक्ट है, एक दो ट्रम्प कार्ड यूज़ करके आप एक तरफा विन कर सकते हो। खैर अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।